हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूं और काइंडली इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैं दूंगा, कैसे आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बेसिकली जो आज का वीडियो हुआ है CAPF के ऊपर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के ऊपर, जिसमें आप AC के लिए मैं बताऊँगा आपको असिस्टेंट कमांडेंट आपको कैसे निकाला, क्योंकि जो मैंने निकाला है मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जब मैंने 2016 में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था वो सारी बातें आपको इसके अंदर बताऊंगा, और कैसे आप 2 से 3 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से घर बैठ के निकाल सकते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टू मच मनी ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारा पैसा बच्चे देते हैं, खासकर मुखर्जी नगर, क्योंकि मैं खुद, मेरा नाम मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम प्रतीक दलाल है और मैं XKD कैंपस फैकल्टी मुखर्जी नगर। जो भी वहाँ का डिफेंस चलता था वो मेरी गाइडेंस में चलता था। तो मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आप घर बैठ के अपने इस एग्ज़ाम को आराम से कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, बस अगर आप इन कुछ बातों को फॉलो कर ले। तो जो भी लोग CAPF AC की तैयारी कर रहे हैं, काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स शेयर करूँगा कि कैसे कैसे मैंने तैयारी की, कैसे कैसे मैंने नोट्स बनाए और कैसे कैसे आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि CAPF AC के अंदर 2 पार्ट होते हैं, Part 1 एंड Part 2। Part 1 कंसिस्ट 250 मार्क्स एंड Part 2 कंसिस्ट 200 मार्क्स। बेसिकली आपको मेन जो फोकस रखना है वो 250 मार्क्स के ऊपर रखना है, क्योंकि यहीं से आपका पूरा मेरिट डिज़ाइन होता है, पूरा एज इट इज़। जितना फोकस आप यहाँ, जितना अच्छा स्कोर आप यहाँ लेंगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब मेरा जो मेन है, जो फोकस है, वो है हाउ टू क्रैक CAPF AC एग्जाम विद इन 2-3 मंथ्स। आप तकरीबन 70-80 डेज में कैसे इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि 20 मई लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। एडमिट कार्ड है जो आपका वो 31 जुलाई को आएगा, आप लोग जानते हैं। एग्जाम डेट है वो आपकी 18 अगस्त को है और रिजल्ट आपका 18 सितंबर को आएगा, ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 20 मई 2019 को, ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो अभी मैं कुछ बातें शेयर करता हूँ कि इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों वो है 3-2-3। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर आ चुके होंगे, बट मैं कुछ वीडियो को अलग ही नज़रिए से मैंने बनाया है और अलग ही तरीके से आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। वीडियो तकरीबन आधे घंटे का रहेगा, लेकिन मेन बातों का जो फोकस रखना है मैं आपको अलग से उसके अंदर पॉइंट आउट भी करूँगा। सबसे पहले हम वैकेंसी का ट्रेंड देखते हैं। 2016 में यही वैकेंसी थी 280, 2017 में आया 179 और 2018 में आया 398, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और 2019 में जो वैकेंसी है दोस्तों वो है 323, ध्यान रखें 323 वैकेंसी है 2019 में, जिसमें से BSF के अंदर 100 हैं, CISF के अंदर 28 हैं, CRPF के अंदर 108 हैं, SSB के अंदर 66 हैं और ITUP के अंदर 21 है। आई होप आप लोगों ने अपना अपना प्रेफरेंस सेट किया होगा, बट जहां तक मुझे लगता है जो सबसे, जहां पर बहुत ज़्यादा चॉइस आती है वो CISF की, SSB की और ITUP की, और लास्ट में BSF की आता है और सबसे लास्ट आता है CRPF। ये सबसे लास्ट, सबसे मतलब लो रैंक वाले जो होते हैं मेरिट में, उनको ये CRPF ही अलॉट होता है। इसके बाद मैं इंट्रो का वीडियो भी डालूंगा, जो मेरा इंट्रो एक्सपीरियंस रहा था पूरी कमेटी के साथ, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक बेसिक सी बातें बताने जा रहा हूँ। 323 वैकेंसी बहुत है एज़ कम्पेयर टू 2017 के अंदर, बहुत कम वैकेंसी थी, इस बार लगभग उससे डबल है। लास्ट डेट है जो 20 मई है और एडमिट कार्ड की 31 जुलाई है, एग्जाम डेट 18 अगस्त है। सो फोकस रखना आपको 18 अगस्त को लेकर, रिजल्ट आपका 1 महीने बाद 18 सितंबर, मतलब लगभग 1 से 2 महीने में इसका एग्जाम का रिजल्ट आता है। और मैं तो खुद ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम देने जा रहा है तो उसको रिजल्ट अपना पता होता है, क्योंकि आंसर तभी आपको बाहर, अब जब आप क्वेश्चन पेपर लेके आते हो तो आपको कम से कम मैच हो जाते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत सिंपल सा, 100 मीटर की रेस लगानी है मेल के लिए 16 सेकंड में, फीमेल के लिए 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस है 3 मिनट 45 सेकंड में, 4 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप यहाँ बच्चे बहुत सारे आउट होते हैं, 3 ही चांस मिलते हैं 3.5 मीटर की, ये 3 मीटर के लिए। शॉर्ट पुट सेम होता है 7.2 kg का 4.5 मीटर के लिए। बेसिकली जहाँ बच्चे आउट होते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग IAS वाले, UPSC वाले एस्पिरेंट UPSC एग्जाम कंडक्ट करती है, और बहुत सारे लोग जो सिविल्स की तैयारी करते हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को एज ए प्रैक्टिस मैच लेते हैं, और CDSE एग्ज़ाम भी है, वो दोनों एग्ज़ाम को देते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत सारे यहाँ अप्लाई करते हैं, बट बाद में वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा मीडियम होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा और अपने आप को फिजिकली फिट रखे, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल देगा। तो काइंडली बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। अब ज़रा मेन बातों के मुद्दे पर आते हैं, जो मैंने डिज़ाइन किया है पूरा इसका सिलेबस वगैरह। दोस्तों सिलेबस में आप सब लोग जानते हैं कि GS का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन बताऊंगा कितने, कौन से कितने मार्क्स का था, कम से कम भी 8 से, मैंने कम से कम भी मांग के चलिए 2000
14 से लेके अब तक का एनालिसिस दे रहा हूँ, सेम ट्रेंड आपको मिलेगा। मैंने तैयारी कैसे की, आपको तैयारी कैसे करनी, क्या गलतियाँ मैंने की, क्या गलती आपको नहीं करनी है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना। और सबसे मेन जो फोकस है वीडियो में वो है स्मार्ट वर्क, ये आपको ज़रूर दिखाना पड़ेगा। हार्ड वर्क से काम आपका नहीं चलेगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा ही बदलाव है, लेकिन चीज़ें आज भी कुछ चीज़ें सेम है। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर स्मार्ट वर्क पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको भैया पीएचडी नहीं करनी, पहली बात तो ये। कभी आप हिस्ट्री को उठाओ और बहुत दिल से उसको पढ़ लो तो फेल हो जाओगे, पक्की बात है। आपको पढ़ना है लिमिटेड चीज़ों को लिमिटेड टाइम के अंदर, और लिमिटेड टाइम के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। जो मेन जो टारगेट है वो 250 मार्क्स का आपको जानते हैं, कैसे कैसे एग्जाम को निकालना है वो देखते हैं। चलिए एक बार जरा सिलेबस देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एंशियंट मिडेवल मॉडर्न में मैंने तीनों में। कम से कम एंशियंट का क्वेश्चन जो होता है वो 6 से 7 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मिडेवल का 3 से 4 क्वेश्चन आता है, मॉडर्न 10+ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मॉडर्न और मिडेवल को इकट्ठा कर लोगे तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आप अटैम्प कर सकते हो, मतलब ओवरऑल हिस्ट्री 40 मार्क्स का आता है। इसलिए एंशियंट को पढ़ना नहीं है भाई लोग, पहली बात तो बता दूँ, इसको छोड़ दो, आप फोकस रखो मिडेवल और मॉडर्न पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी ढंग से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, मेरा आपसे पूरा प्रॉमिस है, अगर आप ठीक से चीज़ों की तैयारी करेंगे तो। मॉडर्न में आपको खासकर देखना गांधी एरा, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हर बार की तरह, इस बार भी पूछे जाएंगे, और खासकर मिडेवल में भी। लेकिन मॉडर्न जो 1857 के बाद का है वो आपको पूरा देखना है। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स जो मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए पूरा बनाया हुआ है। इंग्लिश मीडियम का नोट्स है, बहुत चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी इसके अंदर, सब कुछ पूरा आर्किटेक्चर से लेकर सिंपल मुगल से लेकर बिल्कुल लास्ट तक इसके अंदर लिखा गया, हरप्पन सिविलाइजेशन है, मतलब मैंने हर चीज़ को बड़े बारीकी से इसके अंदर लिखा है ताकि आपको किताबें ना पढ़नी पड़े। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे दोस्त तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा, और सीएपीएफ एग्ज़ाम एक नॉलेज का नहीं है, मुझे लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट का गेम है। जितना हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, जितना कम चीज़ों को पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, वो आपको डेफिनेटली एडवांटेज देगा आपको। यही मेरा आपसे वो पहले भी एग्जाम को जो क्रैक करने का सीडीएसई या फिर सीएपीएफ या फिर एनडी हो, अगर आप टारगेट बना के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इसके अंदर मार्क्स मिलेगा। दोस्तों इस बुकलेट के अंदर पूरा एंशियंट मिडेवल और मॉडर्न मैंने पूरा डाला है, कैसे कैसे मूवमेंट हुए, कैसे कैसे क्या हुआ, ये ईस्टर्न इंडिया के बारे में मैंने लिखा है पूरा, भक्ति लिटरेचर मतलब पूरे आंदोलन वगैरह लिखे मैंने A to Z चीज़ें, मिसलेनियस पार्ट्स तक इसके अंदर इंक्लूड किया, भक्ति और सूफी मूवमेंट भी मैंने इसके अंदर डाला, मतलब लगभग मैंने इसके अंदर पूरा इंक्लूड कर दिया है, खास करके मॉडर्न को भी। छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर बड़े से बड़े टॉपिक तक मैंने इसके अंदर पूरी चीज़ों को डाला है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहाँ इनके सैंपल आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए काइंडली चीज़ों को फोकस कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मॉडर्न के अंदर, खासकर गांधी एरा में क्या क्या पढ़ना है, और कैसे कैसे आपको ये जो भी मूवमेंट्स हुए, जैसे मैंने साइमन कमीशन के ऊपर लिखा है जो बातें वो पूछते हैं, लगभग पिछली बार अगर मैं बात करूँगा तो मेरे नोट्स के अंदर से एज इट इज़ 12 to 13 क्वेश्चन आपको मिल गए थे, 12 से 13 क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स के अंदर से हिस्ट्री के पोर्शन में आपको एज इट इज़ मिल गए थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है काम की चीज़ें पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, आपको डेफिनेटली एडवांटेज देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात है दोस्तों ज्योग्राफी, तो सबसे पहली बात आपको ये बात ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरीके से मिडेवल और मॉडर्न को मिस नहीं करना है। एंशियंट का पार्ट मैंने डाला, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, इसको मिस नहीं करना आपको। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन और वर्ल्ड के बारे में, आपको ध्यान रखना। इसी के अंदर मैंने इन्वायरमेंट को भी डाल दिया, हालांकि 5 से 7 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर नेशनल पार्क हैं, ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आप लोगों से, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आपसे पूछे, लेकिन ज्योग्राफी खासकर इंडियन के बारे में। तो देखिए ये दोस्तों पूरा ज्योग्राफी है मेरा, इसमें मैंने पूरा लिखा है इसको विद डायग्राम, मैंने इसके अंदर शो किया है हर चीज़ को, छोटे से छोटा जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो, कैसे क्वेश्चन उसके अंदर से आते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, पूरा A to Z आर सरफेस से लेके, मतलब मैंने पूरा इंडियन ज्योग्राफी उसके अंदर डाला, खासकर ओशियन करंट वगैरह यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आपको बता दूं मैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपको बताऊंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से अवेलेबल है दोस्तों, अर्थक्वेक वगैरह, मतलब जो भी जितना मैंने KD कैंपस में टीच किया है लगभग 2 साल के आसपास, और जितना मैं एज ए एस्पिरेंट मैंने तैयारी की है, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भी ऑलरेडी जॉब में हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ जुड़ा रहूँ और चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हूँ। तो दीज आर माई ज्योग्राफी नोट्स जो अंडरलाइन करके मैंने बहुत अच्छे से मैंने टाइम स्पेंड करके लगाए हैं चीज़ों को, सोए क्योंकि बच्चे बहुत सारे अरिहंत की बुक पढ़ते हैं या फिर कुछ और इंस्टीट्यूट में जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास एज ए कोई क्रंच स्टडी मटेरियल नहीं है, लगभग लोग सिविल्स का ही फॉलो करते हैं। तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग से हटके स्टार्ट करूं, सो दैट आपको एडवांटेज हो। ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक जो आपको देखने को वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, अभी सिर्फ मैं ऐसे मोटा मोटा बता रहा हूं। ज्योग्राफी के अंदर 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे, जो लगभग 30 से 34 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है। अगर मैं इन्वायरमेंट को इंक्लूड कर दूं ज्योग्राफी के अंदर, तो लगभग 40 मार्क्स, लगभग 20 क्वेश्चन 40 नंबर के।
पॉलिटी, ये अगर भूल गए, ये अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी गई भैंस पानी में, मैं बता दे रहा हूँ। अगर पॉलिटी को मिस कर गए, जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना पढ़ोगे उतना आपको नंबर देगा, मैं फिर बोलता हूँ ज्योग्राफी कितना पढ़ लेना, लेकिन आप हर क्वेश्चन को वहाँ नहीं बना पाएंगे, लेकिन यहाँ आप बना पाएंगे। देखिए ये दोस्तों मेरा पूरा जो पॉलिटी का नोट जो मैंने CAPF AC के लिए बनाया, जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडी से स्टार्ट हो गए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड इस पावर, स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन क्या क्या हैं, आर्टिकल्स मैंने पूरा इंक्लूड किया, पूरे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे कंप्लीट पार्ट मैंने इसके अंदर डाले हैं, और कैसे कैसे कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर और कैसे कैसे गठन होता है, चीज़ों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ये सब मैंने इसके अंदर डाला है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है पॉलिटी में। लक्ष्मीकांत पढ़ने से अच्छा है मेरे नोट्स को पढ़िए, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ोगे वो आपको पे करेगा। आप लोग जानते हैं 17 से 20 क्वेश्चन, अगर ये 17 से 20 क्वेश्चन बनाने में आप चूक गए तो भूल जाइएगा कि आप 250 मार्क्स वाले एग्जाम में पास हो जाएंगे। अल्टीमेट जो आपको फोकस करना है वो आपको 125 मार्क्स को लेके आना है एट एनी हाउ, इससे ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आप इतना स्कोर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबली मेरिट में आ पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिटी को नहीं छोड़ना कैसी भी हो जाए। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात अलग है, लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत टफ होने वाला चीज़ है। इसीलिए आप स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प करूंगा। कैसे कैसे इसको परचेज करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दूंगा जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए सेपरेशन मतलब लगभग मैंने पूरी लक्ष्मीकांत को इसके अंदर पूरा डाल दिया है, लगभग चीज़ें मैंने लिख दी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप डेफिनेटली एग्जाम इसमें निकाल सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं CAPF एग्जाम में पॉलिटी के लिए, वो मैंने सब इसके अंदर डाला है। सो दैट मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर कंपनी में एज ए ऑलरेडी वर्किंग है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मैं चाह रहा था कुछ ना कुछ अलग से इनिशिएटिव मैं स्टार्ट करूँ, सो दैट दे कैन गेट एडवांटेज और दे कैन स्कोर वेल इन देयर एग्जाम्स रिलेटेड एग्जाम। इकोनॉमिक्स, इसको भैया सबसे लेस इंपॉर्टेंस आपको देनी है, मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसे पूछेगा नहीं, 5 ईयर प्लान को छोड़ के इससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इसीलिए आपको सबसे कम इसको इंपॉर्टेंस देना है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। मैं फिर बता दूं कि UPSC जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। एक स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। देखिए PhD अपने को नहीं करना है, लेकिन अपने को स्ट्रेटजी बनाएंगे तो अपने को, मैंने बोला 125 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता तो लगभग मान के चलिए आप 125 क्वेश्चन आते हैं, और एट एनी हाउ आपको जो टारगेट रखना है वो 70 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ध्यान रखिएगा 70 क्वेश्चन का, मतलब 140 तो जरा आपका एकदम सेफ साइड ऊपर, लेकिन 125 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर नो बहुत अच्छे नंबर से आप इसको निकाल पाएंगे। अब बात करूं मैं साइंस की, तो फिजिक्स को आपको छोड़ देना है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा बुकलेट आपको मैं दूंगा, जिसके अंदर बहुत सारी बातें सिंपल लिखी हुई हैं, विटामिन से लेकर जो भी क्वेश्चन डिजीज वगैरह पे आते हैं या फिर सेल ब्लड पे आते हैं, मैंने पूरा इसके अंदर डाला हुआ है। जो भी ABCD जितना भी पूरा आपको इसमें चाहिएगा मैंने बहुत बेसिक तरीके से डाला है। और अब यही चीज़ें मैं सिविल्स के लिए भी तैयारी करता हूँ, तो मैंने उन लोगों के लिए भी बहुत ये बेनिफिट रहेगा जो लोग सिविल्स की तैयारी करते हैं। विद डायग्राम आप देखिए कैसे कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है, पूरा बहुत हाईली बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा चीज़ों को, इन चीज़ों को पढ़ना और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना। हर चीज़ के अंदर मैंने गिवन है, सो दैट कि मेरा बस कोशिश बस पूरी यही है कि कम से कम मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे निकलें इस एग्ज़ाम के लिए जो अभी कहीं पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं या फिर उनके पास इतना अच्छा महंगा फीस नहीं है जो कोचिंग सेंटर लेते हैं आप लोगों से। तो यही मेरा एक आपसे कोशिश है कि एक नया इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए साइंस से क्वेश्चन आता है 20 से 23 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अल्टीमेट फोकस रखना है बायोलॉजी पे और केमिस्ट्री पे। सबसे मेन जो आपको देखना है वो भैया करंट अफेयर देखना है। ये कम से कम आपको जब भी एग्जाम होता है उससे 3 महीने पहले छोड़ के कम से कम आपको 8 से 9 महीने का इसके अंदर करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए, लगभग 1 साल का करंट अफेयर मानिए। ध्यान रखिएगा कभी भी हमेशा जो UPSC का फोकस रहता है वो इवेंट्स पे रहता है, ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स पे। जैसे मैंने करंट अफेयर को डिवाइड किया स्पोर्ट्स में, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट पॉलिसी, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ और इवेंट्स, ये सबसे मेन चीज़ है। हाईलाइटेड पार्ट को आपको ज़रूर पढ़ना है स्पोर्ट्स के अंदर, खासकर जहाँ इंडिया कंट्रीब्यूशन जैसे इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कुछ चल रहा है, खासकर बांग्लादेश में, श्रीलंका में क्या पॉलिसी चल रही है, क्या मालदीव में चल रहा है, मतलब जहाँ पे इंडिया का कोई ना कोई अधिकार होगा या फिर हमारे चीज़ों को वहाँ हार्म होगा, तो मैं उन चीज़ों को ज़रूर देखूंगा। कहीं ना कहीं इंडिया का इम्पैक्ट वहाँ कैसा, इन बातों का आपको ज़रूर देखना है। ये सब आपको GS में जितना पढ़ोगे बेटा उतना कम है, और ध्यान रखना जितना इसको रिवाइज़ करोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज़
पास नहीं हो पाओगे सीएपीएफ एग्जाम में, चाहे सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, आप इन एग्जाम को तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप इसके ऊपर प्योरली फोकस रहें, अदरवाइज आपको दिक्कतें होंगी। सबसे मेन जो आपके लिए क्रीम चीज़ है वो है आपका ये मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन, जहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ से और 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, जो कि टोटल बनते हैं 20-25 क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 नंबर का आपको ये मिलेगा। ध्यान रखिएगा 10 से 12 क्वेश्चन हर कोई इसके अंदर सॉल्व कर लेगा, बट उसके बाद में अगर आपका टॉपिक का पकड़ अच्छा है, मैं टॉपिक आपको बताऊंगा कि मैथ्स में वो क्या क्या पढ़ना है, तो यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब मेन अपने को देखना है कि पढ़ना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ टारगेट आपका 70 क्वेश्चन का है आउट ऑफ 125 में, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है हमेशा इसी के बीच में, प्लस जैसे 105 से लेके 125 में लगा लो, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा आपका किसी भी हालत में। पेपर टू आपका चेक तभी होगा जब पेपर वन आपका आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पेपर टू आपको बता दूं मैं क्वालिफाइंग है 200 नंबर का है, उसमें से 80 नंबर का आपका पैसेज आता है और 120 मार्क्स का आपका अलग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग वगैरह ये सब आता है और नॉर्मल ग्रामर की नॉलेज आती है। मोटा मोटा आपको जोर रखना है पेपर वन के ऊपर ही, मेजर फोकस ऑन पेपर वन। लास्ट वन मंथ के ऊपर आप पेपर टू को पढ़ना है आपको, लास्ट वन का जो वन मंथ है उसमें आप पेपर टू को आपको देखना। मैं आपको पेपर टू के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे कैसे आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, आप कैसे कैसे इन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपको राइटिंग स्किल बढ़ानी है, कैसे कैसे आपको अखबार पढ़ना जरूरी है नहीं है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपसे पेपर टू के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे आपको प्रिसाइज लिखना है उसके अंदर, आई विल हेल्प यू आउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बट पहले आपको फोकस करना पेपर वन के ऊपर। मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइम एंड वर्क से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, या फिर दोस्तों मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा मोटा एडवांस आता है, लेकिन लगभग उसके अंदर एक कभी कभी क्वेश्चन डीआई से भी आता है, तो इन सब बातों का आपको देखना है। लेकिन एक बता दूं मैं आपको कि अगर आप 4 से 5 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहानी आपकी बात बनेगी नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। जो लोग पहले से तैयारी करें उनके लिए बात अलग है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनली मानना है अगर एग्जाम यूपीएससी से फाइट करना है भैया तो कम से कम 4 to 5 और वो भी क्वालिटी वाली स्टडी चाहिएगा घर बैठ के। अगर आप तसल्ली से इन चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं तो तब चांस है, अदरवाइज चांस आपका नहीं बनेगा। और जिन लोगों को यूनिफॉर्म का चस्का है, जो लोग कंट्री को डायरेक्टली सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू भी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर बिल्कुल क्वालिफाइंग, उसमें कोई ज़्यादा आपको देखना नहीं है। लेकिन मेन जो आपको देखना पेपर वन के अंदर, जितना अच्छा पेपर वन के अंदर स्कोर करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा इस सीएपीएफ के एग्जाम में। अब जरा पार्ट टू की अगर बात करूँ तो 200 मार्क्स आया दोस्तों, 3 घंटे पेपर होता है। पहले वाला एग्जाम मान लो 10 से 12 होता तो ये 2 से 5 होगा, आपको टाइम मिलेगा। ऐसे जाता है दोस्तों वो सोशल इशू के ऊपर आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब मान लो कोई मूवमेंट हो गया, स्ट्रगल हो गया, ह्यूमन राइट इशू हो गया, फिर नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी का, डिफेंस बजट कैसे एलोकेट होता है, ये सारे टॉपिक आपको उसके अंदर मिलेंगे। मैं इन सब टॉपिक का आपको अलग से वीडियो तक प्रोवाइड कराऊंगा चीज़ें कैसे क्लियर करनी है। अब रीडिंग हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे 120 मार्क्स आता है तो इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग होगा, ग्रामर होगा, बेसिक जिस भी लैंग्वेज आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन यू, आइदर यू वॉन्ट टू राइट इन इंग्लिश और आइदर यू वॉन्ट टू राइट इन हिंदी, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैंने जो कंप्लीट इसका जो स्टडी मटेरियल बनाया है उसका कोर्स रखा है मैंने 4000 रुपीज़, और आप लोग देख रहे हैं डिफेंस गुरुजी को, मुझे फेसबुक पर आप प्रतीक दलाल नाम से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 से 13 हज़ार लोग वो मिलेंगे जो बहुत डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा ही टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं डिफेंस के एग्जाम के, खासकर एनडीए, सीडीएस और एफकैट इन सब एग्जाम्स के लिए। और मेरा नाम प्रतीक दलाल है, आई एम एक्स के डी कैंपस फैकल्टी, राइट नाउ अभी भी जॉब के अंदर हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों तक पहुँचूँ जो लोग मतलब पास होते होते फेल हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि लोग एनसीईआरटी उठा लेते हैं, 11th to 12th का उठा लिया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स उठा लिया, साइंस का पूरा 8, 9, 10 का उठा लिया। इन चीज़ों को ध्यान रखें कि आप कभी भी यूपीएससी फाइट कर रहे हो तो आपको बहुत क्लेवरली तैयारी करनी पड़ती है। यू हैव टू बी फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम, नाइदर कि आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान लेना है, उसके लिए बहुत लंबी लाइफ पड़ी आपके लिए, बट यहाँ पर आपको टाइम का सबसे बड़ा इशू रहता है। इसीलिए कम टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर करना है, इसलिए कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और चीज़ें खासकर वो टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन आता हो। तो इसका मैंने छोटा सा कोर्स रखा है 4000 रुपीज़ का, जिसके अंदर कोरियर चार्जेस भी आ गए, जो आपको एक वीक के अंदर कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में वाया DTDC से मिल जाएगा। आपको जब भी आप मुझसे व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8800460147 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर अपना नाम, अपना प्लेस लिख के और अपना एग्ज़ाम कि आप एनडी तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएपीएफ तैयारी कर रहे हैं या फिर सीडीएस तैयारी कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप लिख सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आपके पास मेरे असिस्टेंट का कॉल भी आएगा, वी विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी केस। मैं मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी पूरी हेल्प करूँ। आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिलेंगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।